मशहूर लेखिका और इंफोसिस की को-फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने राज्यसभा सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कर ली है। इस मौके पर सुधा मूर्ति के पति और इंफोसिस संस्थापक नारायण मूर्ति भी मौजूद रहे। बता दें कि सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। 8 मार्च को राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति का नाम मनोनीत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से इस बात की जानकारी दी थी। इसके साथ ही मोदी ने लिखा था, मुझे खुशी है कि भारत के राष्ट्रपति ने सुधा कृष्ण मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सुधा जी का सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में योगदान अतुलनीय और प्रेरणादायक रहा है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जो हमारे देश की नियति को आकार देने में महिलाओं की ताकत और क्षमता का उदाहरण है। उनके सफल संसदीय कार्यालय की कामना करता हूं। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को भारत के कर्नाटक राज्य के हावेरी के शिग गांव में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर आर एच कुलकर्णी और मां विमला कुलकर्णी ने काफी प्यार से उन्हें बड़ा किया। उनका ताल्लुक देशस्थ माधवा ब्राह्मण परिवार से था। सुधा ने वीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। इस कॉलेज को अब केएलईडी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है। यहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर कर्नाटक का मुख्यमंत्री ने उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा। इसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की। सुधा मूर्ति के प्रोफेशनल करियर में कई बड़ी उपलब्धियां शामिल हैं। खासतौर पर अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने उस समय भारत की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेल्को के चेयरमैन को एक पोस्ट कार्ड लिखकर जेंडर बायसनेस को चुनौती दी थी। इसमें उन्होंने वर्क प्लेस पर लैंगिक समानता की जरूरत पर जोर दिया था। इस साहसिक कदम के चलते ही वह टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की पहली महिला इंजीनियर बनी। टेल्को में उनके कार्यकाल के दौरान पुणे के बालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ वरिष्ठम सिस्टम विश्लेषक के रूप में काम करने से पहले उन्होंने पुणे, मुंबई, जमशेदपुर में पोस्टिंग के साथ सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर काम किया। सुधा मूर्ति को समाज को बेहतर बनाने में अपने अमूल्य योगदान के लिए बसावा श्री अवार्ड और क्रॉसवर्ड रेमंड बुक अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है।